सोलन कोटा नाला में स्थित पुलिस कॉलोनी का छज्जा गिर गया है। जब ये छज्जा गिरा तो वहाँ बच्चे भी खेल रहे थे। गनीमत ये रही कि छज्जे के मलबे की चपेट में बच्चे नहीं आए और एक बड़ी घटना होते होते टल गई। जानकारी के अनुसार यह कॉलोनी 20 वर्ष पुरानी है और रखरखाव के अभाव के कारण बद से बदतर हो चुकी है। जगह जगह से भवन टूटा पड़ा है, दीवारों से सीमेंट उखड़ना शुरू हो चुका है। दिन रात जिला में न्याय व्यवस्था बनाने के चलते तनाव में रहने वाले पुलिसकर्मी भवन की जर्जर हालत देखकर अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर मानसिक रूप से परेशान नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन है कि उनकी कोई सुध नहीं ले रहा। अधिक जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि उन्हें पुलिस कॉलोनी में छज्जा गिरने की सूचना मिली, जिसे तुरंत मरम्मत करवाने के आदेश दे दिए गए हैं। गिरे हुए मलबे को उठाया जा रहा है, साथ ही कॉलोनी को रिपेयर करवाने के लिए एस्टीमेट बनवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस कॉलोनी में तकरीबन 20 परिवार रहते हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। कि बारिशें ज्यादा हो रही हैं तो एक छज्जा हमारे टाइप 2 क्वार्टर्स हैं, लगभग उसमें 20 क्वार्टर्स हैं, उसका छज्जे का बाहरी पोर्शन जो है वो टूट गया था और नीचे गिर गया था। उसको इनफैक्ट आज लेबर की हेल्प से निकाला भी है, पर इसमें फॉर्चुनेटली किसी भी तरह का कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। और इसका जो है एक एस्टीमेट भी बनवाया गया है जो कि फर्दर पुलिस हेडक्वार्टर को भेजा जाएगा और इसमें फर्दर जो भी नेसेसरी एक्शन बनेगा वो करेंगे। फिलहाल क्वार्टरों में ऐसा कोई खतरा नहीं है और क्वार्टर सेफ है, उसको चेक भी करवाया है DRDA से। सोलन से अमरप्रीत पुंज। You are watching News India Live TV. Subscribe our channel for latest news and updates. And don't forget to press bell icon for latest notifications.